नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं वीडियो ऑन डिमांड लेकर आया हूं। मेरे पास बहुत दिनों से एक डिमांड थी कि सर फॉल्ट ट्रेसिंग का कोई वीडियो बनाइए। कोई भी फॉल्ट अगर मदरबोर्ड में आ गया उसको ट्रेस कैसे किया जाए, आखिर ट्रेस करने की क्या क्या विधि है। तो आप लोगों की डिमांड पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे रिपेयरिंग की जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग के कौन कौन से तरीके हैं। अभी तक जो प्रचलन में है वो केवल दो तरीके हैं, या तो वोल्टेज पकड़कर फॉल्ट ढूंढा जाए, या ट्रैक पकड़कर फॉल्ट ढूंढा जाए, कोई ट्रैक टूट गया या वोल्टेज मिसिंग हो गया। हमने वोल्टेज के हिसाब से चेक किया कहाँ कौन सा वोल्टेज आना चाहिए, अगर वो वोल्टेज फेल है हमने वहाँ वोल्टेज जनरेट करा दिया, हो गया काम। आज मैं आपको सारे फॉल्ट लाइव दिखाऊंगा, और लाइव अगर आपने देख लिया और फॉल्ट फाइंडिंग के वो स्मार्ट तरीके आपको बताऊंगा जिनको देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कैसे की जाती है रिपेयरिंग, तो फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में कहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, फॉल्ट फाइंडिंग के अभी तक दो मेथड थे, मैं आज आपको चार मेथड बताऊंगा। नंबर एक, वोल्टेज को पकड़कर ट्रेसिंग करना कि वोल्टेज कहाँ कितने आने चाहिए हमें पता होना चाहिए, अगर वो वोल्टेज फेल है वहाँ वोल्टेज जनरेट कर दें, हो गया काम। दूसरा तरीका है ट्रैक चेक करना, यहाँ से लाइन यहाँ तक गई, ये लाइन बीच में टूट गई तो सप्लाई फेल हो जाएगी और वहीं वो फॉल्ट जनरेट हो जाएगा, तो उस सप्लाई को ढूंढ कर हमें एक जंपर मारना होगा, सेट बन जाएगा। ये तो जनरल फॉल्ट है, अक्सर सभी लोग इसी तरह से रिपेयरिंग किया करते हैं। मैं आज आपको एक तरीका और बताता हूँ जो मैं करता हूँ अक्सर यूज़, और ज़्यादातर फॉल्ट वहीं से पकड़ में आते हैं। वो कौन सा तरीका है, वो है रीडिंग चेक करके, कूल टेस्टिंग करके चेक करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीडिंग चेक करके फॉल्ट को पकड़ना। नब्ज, डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी हमारी, नब्ज पकड़ने के बाद उसने इलाज किया और हम ठीक हो गए। नब्ज कैसे, कहाँ कौन सी पॉइंट पर कैसी रीडिंग आनी चाहिए वो आपको बताऊंगा, और सबसे अंत में एक सबसे सुपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, रोजन मेथड। रोजन मेथड से अगर आपने फॉल्ट ट्रेस कर लिया, घंटों वाले फॉल्ट में, एक घंटा लगने वाले फॉल्ट में जिसको ढूंढने में आपको एक घंटा दो घंटा लगेंगे, उसको आप चुटकी बजाते ही एक सेकंड में ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढेंगे मैं आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ। तो हम सीरियल नंबर से चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके बहुत काम का होगा, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड के अंदर किस जगह कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सा वोल्टेज मिस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो पहले मैं आपको एक वोल्टेज डिटेल चार्ट देता हूँ जो हर मदरबोर्ड के लिए लागू होगा, ऐसा नहीं कि यही मदरबोर्ड आप रिपेयर कर पाएँ, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड। देखिए, यह है प्रोसेसर। प्रोसेसर सभी मदरबोर्ड में एक ही तकनीक से चलता है, सबसे कम वोल्टेज यानी कोर वोल्टेज से, पुराने मॉडल में 1.8 वोल्ट से, उसके बाद नए मॉडल आए उसमें 1.2 वोल्ट से, और सबसे लेटेस्ट मॉडल है उसमें 0.9 वोल्ट से। तो ये तीनों वोल्टेज हम अगर चेक कर लें, इस पर वोल्टेज है कि नहीं, अगर वोल्टेज नहीं होगा तो ये कहाँ से काम करेगा बताइए। तो इसके वोल्टेज, दूसरा इसके पास में लगी है मेमोरी आईसी, इस आईसी के वोल्टेज, इस आईसी के वोल्टेज अगर फेल हैं तो ये आईसी नहीं काम करेगी और सेट स्टैंड बाई पोजिशन में चला जाएगा। हमें इसके वोल्टेज भी चेक करने हैं, 3.3 वोल्ट इसकी पिन नंबर 8 पर आते हैं, अगर ये वोल्टेज फेल है तो कहाँ से चलेगा सेट बताइए। किसी सेट में रैम है तो रैम में 2.8 वोल्ट चाहिए,
तो 2.8 वोल्ट अगर मिसिंग होंगे तो नहीं चलेगा सेट। इसी तरह 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज मिसिंग हैं 12 वोल्ट, तो मदरबोर्ड नहीं चलेगा। क्लॉक क्रिस्टल पर कितने वोल्टेज आने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ये सारे वोल्टेज की जानकारी आपको देता हूँ पहले पार्ट में कि ये वोल्टेज हम कैसे चेक करें। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक पार्ट वोल्टेज के द्वारा टेस्ट करना और दूसरा इसी एक पार्ट में दूसरा भाग होगा ट्रैक चेक करके देखना। और ये जब आपको चेक करना आ गया उसके बाद दो मेथड और बताऊंगा, रीडिंग चेक करके फॉल्ट पकड़ना और रोजन मेथड के द्वारा फॉल्ट पकड़ना। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि वोल्टेज मिसिंग हो गए, हमने पकड़ लिए, वहाँ वोल्टेज जनरेट करके दे दिए, सेट हो गया। अब कहीं कोई ट्रैक ओपन हो गया, ट्रैक हमने पकड़ लिया, ट्रैक पकड़ने के लिए क्या करें, ट्रैक पकड़ने के लिए या तो हमारे पास दूसरा सेट हो या उसका सर्किट डायग्राम हो। वहाँ से हमने पता किया कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जाएगी, हमने वहाँ जंपर मारा, काम हो गया। लेकिन रीडिंग चेक करना ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रीडिंग कैसे चेक करें। तो रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी SMD पार्ट्स हैं इन सब की एक पहचान कि ऐसे वो पार्ट जिनमें प्लस माइनस होते हैं उनको अलग कर दीजिए और हर वो ऐसा पार्ट जिसमें प्लस माइनस नहीं होते उनको अलग कर दीजिए। देखिए मैं पार्ट्स के नाम आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस, PF, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, डायोड, IC, ये 7 नाम आपको बताए। इन सब में जिनमें प्लस माइनस नहीं होते उनको एक तरफ कीजिए, रेजिस्टेंस, कॉइल और PF, इनमें प्लस माइनस नहीं है, बाकी सब में प्लस माइनस हैं। तो जिन पार्ट्स में प्लस माइनस हैं उन पर रीडिंग चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा, जिनमें प्लस माइनस नहीं होते उन पर रीडिंग चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों तरीके आपने जान लिए बन गए आप मास्टर। तो मैं सबसे पहले आपको वोल्टेज डिटेल चार्ट देता हूँ, इस वोल्टेज डिटेल चार्ट को आप देखिए, उसके आधार पर किसी भी मदरबोर्ड को चेक कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये कुछ पार्ट्स के नाम मैंने बताए आपको, रेजिस्टेंस, कॉइल, PF, कंडेंसर, डायोड, ट्रांजिस्टर, IC और क्रिस्टल, इन्हीं पार्ट्स से मिलकर कोई भी मदरबोर्ड बनता है। अब इसमें रेजिस्टेंस सबसे पहले देखिए, इसमें प्लस माइनस नहीं होते, इसको उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं कैसा भी लग सकता है। दूसरा है कॉइल, इसको भी उल्टा सीधा लगा सकते हैं। तीसरा PF, इसमें भी प्लस माइनस नहीं होते, यानी इसको भी उल्टा सीधा लगाया जा सकता है। लेकिन कंडेंसर, डायोड, ट्रांजिस्टर, IC और क्रिस्टल, इन 5 पार्ट्स में किसी भी पार्ट को हम उल्टा नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें प्लस और माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस होते हैं तो इनकी अगर हमें रीडिंग चेक करनी है तो रीडिंग इन पर अलग अलग आनी चाहिए। हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड में किया और रीडिंग चेक करेंगे तो इन पार्ट्स पर रीडिंग सेम आएगी और इन पार्ट्स पर अलग अलग आएगी। लेकिन एक PF है, PF अगर प्लस प्लस पर ही लगा है या माइनस माइनस पर लगा है तब रीडिंग सेम आएगी, लेकिन इसको प्लस और माइनस पर लगाया, मेरी बात पर गौर करना है आपको कि PF में प्लस माइनस नहीं होते, लेकिन PF को अगर प्लस और माइनस पर लगा दिया तो इसको लगे हुए सर्किट में जब आप चेक करेंगे तो रीडिंग दोनों पर अलग अलग आएगी। एक साइड से लगभग 300-400 के आसपास रीडिंग आएगी और दूसरी साइड से 1000-1200 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस में आप जब भी चेक करेंगे डायोड मोड पर मल्टीमीटर को करना है और चेक करेंगे तो दोनों साइड से सेम रीडिंग आएगी। कॉइल को चेक करेंगे तो भी दोनों साइड से सेम रीडिंग आएगी। PF को चेक करेंगे तो अगर प्लस प्लस पर लगा है या माइनस माइनस पर लगा है
तो सेम रीडिंग होगी, लेकिन अगर प्लस और माइनस पर यानी प्रोटेक्शन में लगा है तो रीडिंग अलग अलग आएगी। ये इसका रीडिंग देखकर पकड़ने का फॉल्ट, रीडिंग देखकर हम फॉल्ट कैसे पकड़ें। इसी तरह कंडेंसर में भी एक साइड से कम रीडिंग और दूसरी साइड से ज़्यादा रीडिंग, डायोड एक साइड से कम दूसरी साइड से ज़्यादा, ट्रांजिस्टर दो पिन आपस में शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, एक पिन पर कम और दूसरी पिन पर ज़्यादा रीडिंग, इसी तरह आईसी में और इसी तरह क्रिस्टल में हमें चेक करना है। तो मैं आपको अब लाइव दिखाता हूँ कैसे चेक किया जाता है फॉल्ट। देखिए देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा वोल्टेज डिटेल चार्ट आपको दिया है, इसमें मदरबोर्ड में आने वाले वोल्टेज कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो देखिए। एक 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 0.9 वोल्ट। ये सारे वोल्टेज कब किस जगह यूज किए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जब अगर इनका हमें पता लगा कि ये कौन सा वोल्टेज कहाँ यूज होता है, हम आसानी से उसको रिपेयर कर पाएंगे। और यही सारे स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं जिनको हमें ट्रेस करना है, इन्हीं सारे वोल्टेज से मदरबोर्ड ऑपरेट होता है। तो देखिए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट ऑडियो आईसी में जाते हैं, और भी एक दो जगह जाते हैं, तो हमें 12 वोल्ट ऑडियो आईसी के लिए हमने सेव कर दिया। दूसरा 5 वोल्ट, किसी किसी सेट में ऑडियो आईसी 12 से ऑपरेट होती है और किसी सेट में 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है ऑडियो आईसी, और यही 5 वोल्ट यूएसबी पोर्ट पर भी पहुंचते हैं। तो हमें यहाँ ये वोल्टेज चेक करने हैं किसी भी मदरबोर्ड में, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो। इससे मतलब नहीं कि मैंने किस मदरबोर्ड में आपको बताया। 3.3 ये वोल्टेज मेमोरी आईसी पर काम आते हैं, मेमोरी आईसी का मेन वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, और ये कौन सी पिन पर आता है, पिन नंबर 8। किसी भी सेट की, किसी भी कंपनी की कोई भी मेमोरी आईसी आप देखिए, उसमें पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आने ही पड़ेंगे। जब तक ये वोल्टेज नहीं आएंगे आईसी ऑपरेट ही नहीं होगी। तो अगर कोई सेट डेड कंडीशन में आपके पास आता है तो आपको 3.3 वोल्ट मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर चेक कर लेने हैं। इसके बाद आए 2.8 वोल्ट, ये वोल्टेज रैम की सप्लाई होती है, रैम आईसी, जिस सेट में रैम आईसी लगी होती है उसमें 2.8 वोल्ट आना ज़रूरी है। जब तक वे वोल्टेज नहीं आएंगे रैम आईसी काम नहीं करेगी। इसके बाद आया 1.8 वोल्ट, 1.8, 1.2 और 0.9 वोल्ट, ये तीनों कोर वोल्टेज होते हैं और प्रोसेसर पर आते हैं। अब किस प्रोसेसर पर कौन सा वोल्टेज आना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो साधारण सेट होते हैं नॉन एंड्रॉइड ओल्ड मॉडल, उन सेटों में 1.8 वोल्ट कोर वोल्टेज सप्लाई होती है। पुराने बिना एंड्रॉइड मोबाइल, सॉरी बिना एंड्रॉइड मदरबोर्ड, उसमें मैंने मोबाइल भी सही कहा, मोबाइल में भी यही होता है, यही वोल्टेज होते हैं। तो एलईडी का कोई भी मदरबोर्ड हो जो पुरानी टेक्नोलॉजी का होगा, साधारण होगा, वो 1.8 वोल्ट से ऑपरेट होगा सीपीयू, और उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी का एंड्रॉइड मदरबोर्ड आया, एंड्रॉइड मदरबोर्ड भी दो टेक्नोलॉजी में, एक थोड़ा सा पुराना और एकदम लेटेस्ट दूसरा वाला। तो जो थोड़ा सा पुराना है ओल्ड एंड्रॉइड, उसमें 1.2 वोल्ट से ऑपरेट होगा प्रोसेसर, और सबसे लास्ट में जो एकदम लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं एंड्रॉइड के, उनमें 0.9 वोल्ट से प्रोसेसर ऑपरेट होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? प्रोसेसर को कम से कम वोल्ट पर ऑपरेट कराया जाता है, इसमें वोल्टेज कम से कम यूज किए जाते हैं और एम्पियर हाई किए जाते हैं। कम वोल्टेज और हाई एम्पियर से प्रोसेसर ऑपरेट होता है। तो ये सारे वोल्टेज हमें चेक करने हैं। अगर हमें वोल्टेज के आधार पर फॉल्ट को ट्रेस करना है तो ये वोल्टेज चेक कीजिए, इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा वही सेक्शन काम करना बंद कर देगा। मान लीजिए 5 वोल्ट फेल है तो ये सारे वोल्टेज 5 से ही तो बनेंगे। तो अगर 5 ही फेल है तो 3.3 कहाँ से आएगा, 2.8 कहाँ से आएगा, 1.8 कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हमें 12 वोल्ट टेस्ट करना होगा, 12 वोल्ट कहाँ आएगा वो चेक करना है, उसके बाद 5 वोल्ट, फिर 3.3,
2.8, 1.8, 1.2, 0.9, ये सारे वोल्टेज हमें सीरियल नंबर से चेक करने होते हैं, तब हम फॉल्ट की ट्रेसिंग कर पाते हैं। अब मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर हम किस मदरबोर्ड में कहाँ कौन सा वोल्टेज चेक करें। इसका भी आपको यही जवाब है कि आप सेक्शन वाइज चेक कीजिए ना। मेमोरी सेक्शन अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ 3.3 वोल्ट होने चाहिए। अगर रैम सेक्शन चेक कर रहे हैं तो 2.8 वोल्ट होना चाहिए। प्रोसेसर चेक कर रहे हैं, एकदम नई टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट प्रोसेसर है तो 0.9 वोल्ट चेक कीजिए। अगर ये वोल्टेज मिसिंग होंगे तो सेट ऑपरेट ही नहीं होगा। तो ये सारे वोल्टेज आप चेक कीजिए, इसके आधार पर आप फॉल्ट को तुरंत ढूंढ पाएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ फॉल्ट ट्रेसिंग का। देखिए दोस्तों, अब इस मदरबोर्ड की हमें चेकिंग करनी है, चाहे ये मदरबोर्ड हो या किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो। उस मदरबोर्ड में हमें सबसे पहले देखना है 12 वोल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं। मैं मल्टीमीटर की बैकलाइट ऑन कर देता हूँ, ये ऑन कर दी। अब देखते हैं, ब्लैक पिन को लगा देता हूँ मैं ग्राउंड से, ये लगा दिया। अब सबसे पहले देखेंगे हम 12 वोल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं। ओके, एकदम सही है, 12 वोल्ट प्रेजेंट हैं। अब आपको फॉल्ट ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ कि 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12 के बाद बनते हैं 5, तो 5 वोल्ट कहाँ बनेंगे, जो 12 वोल्ट के सबसे नज़दीक वाली कॉइल होगी वहाँ। तो देखिए, इसके एकदम नज़दीक ये कॉइल हमें दिखाई दे रही है, इस कॉइल पर 5 वोल्ट आने चाहिए। तो हम देखते हैं इस पर 5 वोल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं। देखिए, ये 5 वोल्ट एकदम एक्यूरेट हैं। अब मान लीजिए अगर ये 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो क्या करना है हमें, तो इसके जस्ट पास में या तो 3 पिन वाला रेगुलेटर लगा होगा या 8 पिन का रेगुलेटर होगा। तो आप देख लीजिए, ये देखिए, इसके जस्ट पास में ये रेगुलेटर है, ये आईसी जो आपको दिखाई दे रही है, इस आईसी पर हमें चेक करने हैं सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट आएंगे और 12 के बाद ये 5 में कन्वर्ट करके इसको देगी, तो यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट हैं। अगर ये 5 नहीं आ रहे तो ये आईसी ख़राब है, और इस आईसी पर 12 नहीं आ रहे तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक टूटा है। आपको समझ में आया होगा एक प्रोसेस। इसके बाद यही 5 वोल्ट यहाँ से उठकर दूसरी कॉइल पर जाएंगे। दूसरी कॉइल कहाँ है, ये देखिए, इस बीच में आपको कोई कॉइल दिखाई नहीं दे रही, ये कॉइल आई। इस कॉइल पर आएंगे इस कॉइल के पहले, क्योंकि ये 5 वोल्ट की कॉइल है तो ये कॉइल जाहिर है कम वोल्ट की होगी इससे, तो इसके पहले ये रेगुलेटर आया। तो इस रेगुलेटर पर हमने चेक किए 5 वोल्ट आ रहे हैं क्या, यस आ रहे हैं, इस पर 5 वोल्ट प्रेजेंट हैं। अब इसका काम है 3.3 वोल्ट बनाना और 1.2 बनाना। तो 3.3 कहाँ आते हैं, मैंने आपको चार्ट में बताया, 3.3 आते हैं मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर। ये प्रोसेसर के जस्ट पास में मेमोरी आईसी, मेमोरी आईसी की पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर पर देखिए 3.3 हैं या नहीं। देखिए, एकदम एक्यूरेट 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ तक भी ठीक है। अगर ये 3.3 नहीं है तो ये रेगुलेटर ख़राब है, इसको हमें चेंज करना होगा। अब इसी का काम यहाँ से 3.3 इसको देना है, अब ये कन्वर्ट करेगा 1.2। ये प्रोसेसर के पास में ये कॉइल लगी है, इस पर 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, देखते हैं। ओहो, एकदम सही, 1 वोल्ट इसमें है, यानी प्रोसेसर भी एक्टिवेट, मेमोरी आईसी भी एक्टिवेट हो गई, और ये 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट और कहाँ जाएंगे, 5 वोल्ट एक जाएंगे यूएसबी पर और दूसरे जाएंगे या तो ऑडियो आईसी 5 वोल्ट की होगी या 12 वोल्ट की होगी। ये ऑडियो वाला जैक, इसके जस्ट पास में जो आईसी लगी है वो ऑडियो आईसी, तो ये छोटी आईसी लगी है तो ये 5 वोल्ट की आईसी होगी। हम देखते हैं इस पर कहाँ जाएंगे, तो इसके आसपास जो पीएफ लगे हों, उन पीएफ में देखिए पीएफ ग्राउंड से कौन सा लगा है, उसी पीएफ के दूसरे सिरे पर 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जाते हैं। तो ये 5 वोल्ट की आईसी है, तो इसके पास में ये पीएफ है, ये पीएफ है, ये पीएफ है, हम देखते हैं ग्राउंड से कौन सा है। ये इसका एक सिरा ग्राउंड है, यानी इसी के दूसरे सिरे पर जाना चाहिए। मैं चेक करता हूँ इसके दूसरे सिरे पर, ये देखिए 5 वोल्ट आपको अवेलेबल,
ये मल्टीमीटर एक स्पेशल मीटर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसमें कोई मोड चेंज नहीं किया और बिना उसके मैंने इसमें ग्राउंड भी चेक कर लिया और वोल्टेज भी चेक कर लिया। ये ऑटो वाला मल्टीमीटर है, ये हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको लेना हो तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारा वोल्टेज चेक करने का तरीका कि जहाँ जो वोल्टेज फेल है वहाँ आप कुछ भी जुगाड़ लगाकर वोल्टेज प्रोवाइड करा दीजिए। मान लीजिए प्रोसेसर का ये 1.2 वोल्ट फेल है, ये नहीं आ रहा है, ये वाला बक कन्वर्टर ख़राब है, तो ये ख़राब है तो इसको या तो इसको चेंज कीजिए, और अगर ये ना मिले तो एक बक कन्वर्टर लीजिए, 12 वोल्ट इनपुट दीजिए और उससे 1.2 जनरेट कराइए और यहाँ दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर 3.3 फेल है कोई बात नहीं, आप एक बक कन्वर्टर से 3.3 वोल्ट जनरेट कराइए और इस आईसी की पिन नंबर 8 पर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से हमें काम करना होता है। और जहां भी जो वोल्टेज फेल है उस वोल्टेज को जनरेट करा दीजिए, आपका काम सक्सेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।